तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सोलो वैभव को। आज हम सोनिक प्राइम सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो सोनिक एक गलती कर देता है जिसके वजह से वो अलग टाइम में पहुंच जाता है और अलग अलग दुनिया उसको देखने को मिलती है, जहां पे उसको और भी अदर वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं अपने दोस्तों के। वो इन गलतियों को ठीक कर पाता है कि नहीं, ये इस सीरीज में दिखाया गया है। मैं कहां हूं? बेसिकली हमको सोनिक के एडवेंचर्स को दिखाया गया है अलग अलग एपिसोड्स में। सबसे पहले एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो एनिमेशन मुझे काफी अच्छा लगा, ये एकदम 3D रियल लगता है। इसमें हमको सोनिक के और भी अदर कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, जैसे नकल्स, एमी, रॉक और शेडो। इसमें भी हमें एगमैन के साथ सोनिक की लड़ाई देखने को मिलेगी, जो तुमको काफी हंसाएगी और काफी मजा भी दिलाएगी। बहुत हुआ भागना, इस दुनिया को ठीक कर देते हैं। ये मूवी तुमको नोकिया के उस गेम की भी याद दिलाएगी जो तुमने बचपन में खेला है। मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी था वो भी मुझे काफ़ी सही लगा, और जो उसका म्यूजिक था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था सीन्स पे। एक्टर्स जिन्होंने इन कैरेक्टर्स की आवाज़ दी है उनकी डबिंग भी काफ़ी सही थी। ये तुमको हिंदी में मिल जाएगी अच्छे क्वालिटी के साथ, तो तुम इसको हिंदी में देख सकते हो। और ये एक बच्चों वाली एनिमेटेड सीरीज है, तो तुम पूरी फैमिली के साथ इसको आराम से इंजॉय कर सकते हो। ओवरऑल ये एक अच्छी खासी एनिमेटेड सीरीज है, जो कि तुमको सोनिक के कैरेक्टर्स अगर प्यार है तो उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करने का काम करती है और उसके एडवेंचर्स दिखाती है। तो अगर तुम सोनिक के फैन हो तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। मुझे फिर से नहीं पता कि। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। कटी टेक्स मुझे आधी बटरफ्लाई सा, देखी मैंने कितनी तेरी सबसे अलग वाइब, सबके लिए रूल मैं बस तेरे लिए शाय।